हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि कुछ भी खाने से पहले या किसी, अगर आप फंक्शन में गए हो तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये इसकी क्या जरूरत है, भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है। भगवान तो सब कुछ लाइक हर तरह से मालिक हैं, उनको तो कौन सी भूख लगती होगी, है ना। वो हमारे इंसान की तरह से कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि उनको भूख लग रही है, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी अलग अलग समय पर पूरी दुनिया में भूख लगा रहा, तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न दिमाग में उठते होंगे। अब इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भगवान उनके मालिक हैं, भगवान को वो मालिक के रूप में समझते हैं, दाता के रूप में समझते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि उनका जो मालिक है वो भगवान है, और जो कुछ मिला है वो भगवान से मिला है। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि फिर भोग लगाने की जरूरत कैसे है। इसके ऊपर हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज हमारे घर में एक मेड काम करती है, सभी घरों में मेड काम करती है, इसलिए इस एग्जाम्पल को समझना आसान है। अब वो मेड जो है, मान लेते हैं, किचन में भी हेल्प करती है। अब उसने दूध गर्म किया, अब दूध उसने गर्म किया तो उसमें काफ़ी सारी, मान लेते हैं, ठंडा होने के बाद मलाई निकली, एक पूरी कटोरी भर के सपोज मलाई निकली। अब वो जो मेड है, मान लेते हैं कि उस मलाई को खा गई, आपसे पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं, तब आपको कैसा लगेगा? शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बहुत दिलेर हैं तब आप ये सोचेंगे कि अगर मुझसे पूछ लेती तो शायद मैं खाने को कह भी देती या कह भी देता। आमतौर पर मैं देती इसलिए बोल रहा हूँ कि लेडीज इस मैटर को डील करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि घर की मेड ने जो मलाई निकाली, वो मलाई निकाली उसने, ठीक है, लेकिन क्योंकि एस सच घर का मालिक कोई और है, घर की मालकिन कोई और है, तो वो दूध की जो मलाई निकली वो भी उस मालकिन की थी। अगर उसको खाना था तो पहले पूछना चाहिए था, या ये कहिए कि पहले उसको मालकिन को ऑफर करना चाहिए था कि ये मलाई निकली है, आप खा लो। अगर वो कहती नहीं मुझे नहीं खाना है, आप खा लो, तो फिर ये एकदम प्रॉपर लीगल प्रोसीजर हो जाता। इसी तरह से जब हम ये सोचते हैं कि भगवान सब कुछ है, भगवान ही दाता है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, तो इसका मतलब फिर पहले हमें जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान आप खाइए। भगवान, आप भी जानते हो कि उसमें से कुछ चुरा तो लेते नहीं है, अपनी कृपा उसमें ऐड करके वापस कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा चॉकलेट लेके घर में आया, आपको चॉकलेट नहीं खानी है, सपोज आप पिता हैं, आपका बच्चा है छोटा, अब उसने वो चॉकलेट उसको किसी पड़ोसी ने दी, किसी ने भी दी, वो चॉकलेट उसने आपको ऑफर की, लो आप खा लो, तो आप क्या होंगे, एकदम भाव विभोर हो जाओगे। आप बोलो नहीं बेटा मुझे नहीं खानी, आप खा लो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान को भोग लगाना, ये सब ना प्रेम की बातें हैं। जिन लोगों को भगवान से प्रेम है वो सब इस तरह की चीजें करते हैं। भगवान को भोग लगाने से कुछ घट नहीं जाता, कोई बहुत समय खराब नहीं हो जाता, खाना खराब नहीं हो जाता, इससे उल्टा भगवान की कृपा उसमें ऐड हो जाती है, और जो वो साधारण खाना था वो प्रसाद बन जाता है, और किसी भक्त के खाने के बाद अगर उसको फिर हम खाएं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को भोग लगाने में कोई बुराई नहीं है, इससे भगवान की कृपा उसमें ऐड होती है, लेकिन कृपा सिर्फ उनकी ही ऐड होती है जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं। जिनको लगता है कि भगवान नहीं है या ये कोई कंसेप्ट ही बेकार है, शायद उनके केस में फिर भगवान, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्तों का ही भोग स्वीकार करते हैं। भगवद गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि मैं भक्त जब प्रेम पूर्वक चाहे जल उनको अर्पित करे, फल अर्पित करे, फूल अर्पित करे, कुछ भी अर्पित करे, लेकिन जब प्रेम और श्रद्धा पूर्वक वो उनको अर्पित करते हैं तो वो उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान को भोग लगाने की, कुछ लोग पूछते हैं क्या विधि है, तुलसी महारानी का पत्ता अगर एक रखें तो अच्छा है, बाकी जो असली विधि है वो प्रेम की विधि है। भगवद गीता यही कहती है कि भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाए। आप कुछ भी कहीं भी खा रहे हैं, एक बार भगवान का ध्यान रख के, भगवान को स्मरण करके अगर खाएंगे तो आपको लाभ ही है। जैसा मैंने कहा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें भगवान की कृपा ऐड ही होगी, भगवान का प्रेम ऐड ही होगा। आपका मित्र नीरज गुप्ता।